हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूपीपीएससी के डिस्ट्रिक्ट टेस्ट सीरीज 2 का फर्स्ट पार्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग उसके सेकंड पार्ट यानी कि नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ और हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जो ऑप्शन बी है ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था, ये आपका सही नहीं है। कैथोड किरण के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया गया था, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। बाकी सभी स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें लौह होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है और 4 यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये काम हीमोग्लोबिन का नहीं होता है दोस्तों, ये काम WBC का होता है, रोग के प्रति यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, ये आपका WBC का काम होता है, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा, आपको बताना है कि फीफा 2026 की मेजबानी कौन करेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये संयुक्त रूप से करेंगे ये तीनों देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नाम का एक COVID-19 वैक्सीन विकसित करी है। तो इसका सही उत्तर है भारत ने ये वैक्सीन विकसित करी है। और इसे बनाया किसने है दोस्तों, तो हरियाणा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और NRC यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनक्वाइन के द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित है ये। और ये नए टीके में निष्क्रिय डेल्टा एंटीजन होता है जिसको SARS-CoV-2 कहते हैं, या कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोश के लिए ये सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बेरी बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के दोनों आपका स्टेटमेंट सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैचिंग क्वेश्चन है अगला हमारा, आपको बताना है कि कौन सा मैचिंग सही है यहाँ पर। तो देखिए, आर्सेनिक दोस्तों इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े के कैंसर, त्वचा कैंसर और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, तो आर्सेनिक ही आपका सही है। वही अगर हम बात करें कैडमियम की, तो ये किडनी और हड्डी को कमजोर करता है, तो इसका हो जाएगा 3। और पॉलीविनाइल क्लोराइड ये श्वसन संबंधी समस्याओं को पैदा करता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और बेरियम मस्तिष्क में सूजन का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं और आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो सीसा यानी कि प्लम्बम PB, ये किसकी वजह से, ये किसको प्रभावित करता है, तो ये किडनी को प्रभावित करता है, किडनी और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वहीं अगर हम बात करें पारा यानी मरकरी का, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और किडनी को प्रभावित करता है। सेलेनियम की इसको प्रभावित करता है, तो बाल और नाखून की क्षति पहुंचाता है, ठीक है। और ट्राइक्लोरोइथिलीन ये पर किसको प्रभावित करता है, तो लीवर और किडनी को प्रभावित करता है। 82 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकत्व का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कैपिलरिटी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सब के सब कैपिलरी के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, कोशिकत्व के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। जो द्रव कांच को गीला करते हैं वे ऊपर उठते हैं, और जो द्रव कांच को गीला नहीं करते वे केश नली में नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो पौधों की, आपको पता है कि पौधों की जड़ों में पानी अवशोषित होती है, जाइलम फ्लोएम ऊपर जाता है, केशिकत्व का एग्जाम्पल है। फाउंटेन वेन में स्याही नीचे आती है, तो ये भी एक केशिकत्व का एग्जाम्पल है। मोमबत्ती और दीप की बत्ती क्या होता है, तेल
रुई में ऊपर चढ़ता है, तो ये भी केशिकात्व का एग्जाम्पल है। और गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए जो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं वो भी केशिकात्व के एग्जाम्पल्स हैं ये सब। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये लद्दाख में लगाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, ये कैसे उपलब्ध होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई रूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन बाकी जितने बच गए यानी कि ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वैसे विटामिन शब्द का पहला प्रयोग सी फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो आपको कुछ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो एसर्शन क्या है? तो तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है, और रीजन क्या है कि लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपने पढ़ा होगा लास एटलिए का सिद्धांत, उसमें यह कहा गया है कि साम्यावस्था निकाय के किसी कारक जैसे कि ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो उस निकाय उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। तो पानी में लिथियम कार्बोनेट के विघटन प्रक्रिया प्रकृति में एक्सोथर्मल है न कि एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक है। और लास एटलिए के सिद्धांत के अनुसार लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है, ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान औसतन कितना होता है? तो ये 7.35 से लेकर के 7.45 के आसपास होता है, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर सार के बे यानी कि खाड़ी में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, तो दूसरा सबसे बड़ा नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। और यह समुद्री घास जो है 180 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड के तट पर नहीं ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। हाल ही में केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार और मदन जीत पुरस्कार, इनमें से कौन सा, ये आपको बताना है। 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। और केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और राष्ट्रीय परिषद यानी कि NCERT की एक घटक इकाई है। वो शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को के द्वारा 2021 में किए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है, तो कुपोषण की वजह से कौन सी बीमारी होती है बेसिकली आपसे ये पूछता है, तो ये मेरास्मस होता है, लगभग हर किसी को पता होगा। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन की कमी होती है इसमें, मेरास्मस को असर कोर जो है गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के दो अलग अलग रूप होते हैं। तो क्वासर कर उन लोगों में होता है जिनके पास रोटी अनाज या स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट तक पहुंच हो सकती है लेकिन आहार में प्रोटीन की
कम ही हो जाती है। और आयरन की कमी से रक्तालुता होता है, आयोडीन की कमी से वाटर होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव, व्याग्रता आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो यह हार्मोन बीटा कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है, और ये मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग को टैकल करने में काफी उपयुक्त साबित होता है। ऑक्सीटोसिन यह स्तनपायी संबंधी हार्मोन है, और एस्ट्रोजन या स्टेरॉयड होता है। यह हार्मोन यौनावस्था में यौन लक्षणों जैसे कि गर्भाशय, योनि, अस्तनों के विकास को प्रेरित करता है। इस हार्मोन की कमी के कारण जनन क्षमता छिन्न हो जाती है। इस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आपको याद होगा विबग्योर, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। सबको तो याद ही होगा, सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा इन सब चीजों का। फिशिंग कैट के संबंध में विचार करिए, क्योंकि दोस्तों ये हाल ही में बड़े चर्चा में था फिशिंग कैट। तो 94 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3। तो स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है आपका। क्यों गलत है ये हम बात कर लेते हैं। तो फिशिंग कैट की IUCN जो स्थिति है, ये IUCN रेड लिस्ट प्रजाति मूल्यांकन में लुप्त प्राय से सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, न कि सुभेद्य से लुप्त प्राय, ये उल्टा है, लुप्त प्राय से सुभेद्य में उन्नत किया गया है। और 4 स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत रखा गया है, न कि अनुसूची 2 के तहत, इसीलिए स्टेटमेंट 4 भी गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचरत्न से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो 95 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 3 और 4 आपका 2 वाला सही नहीं है। तो पंचरत्न चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन 20 जून 2022 को किया गया था, और इसमें 5 नदियां कौन कौन, तो कवारी, पहुज, यमुना, चंबल और सिंध की संगम देखा जा सकता है। एक बार फिर से याद रखेंगे, तो कवारी और क्या, तो और आपका हो जाएगा पहुज, और हो जाएगा आपका यमुना, और हो जाएगा आपका चंबल, 4 हो गया, और एक और नदी है आपका सिंध। इन 5 नदियों के संगम महोत्सव के रूप में ये मनाया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कलियनों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाता है, तो इस गति को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। 97 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने सब पढ़ा होगा, जब टिंडल इफेक्ट होता है तो वहां पे आप ब्राउनियन मोशन पढ़ते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू बुखार के समय मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 99, तो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है। 99 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। अब क्यों गलत है इसको हम देख लेते हैं। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ICIC
एचडीएफसी और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की महत्वपूर्ण सूचना और अवसंरचना यानी कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया है। तो ये स्टेट बैंक नहीं है, याद रखें। कौन कौन है? तो एचडीएफसी, और कौन है? आईसीआईसी बैंक, और तीसरा क्या है? तो एनपीसीआई। तो इन तीनों को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया है, इसीलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला सही है। 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन लिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में किया गया, और ये किया गया था 23 जून 2022 को। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का हिस्सा नहीं है? 101 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों होते हैं, और एक होता है दोस्तों आपका थायमिन, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एक थायमिन भी होता है, यानी कि ऑप्शन में थायमिन नहीं है और थायमिन भी होता है। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है? तो ग्लोबर सॉल्ट के नाम से सोडियम सल्फेट को जाना जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखलाई पड़ता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नीला दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड? तो 104 का राइट आंसर आपका डी है, यानी कि असम बन गया है। उत्तर प्रदेश के घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मैं इसका आंसर बताता हूं, 105 का राइट आंसर आपका बी है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन करना है, मैच करना है। अब पूछ रहा है कि फल और उसके खाने वाला हिस्सा, तो सेब का कौन सा हिस्सा आप खाते हो? तो पुष्पासन खाते हो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3। तो आप सेब का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं, यानी कि उसका थैलमस खाते हो। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखेंगे। अब नारियल का कौन सा हिस्सा खाते हैं आप? तो भ्रूणपोष खाते हैं ये, तो नारियल का है ऑप्शन ए, यानी कि इंडोस्पर्म खाते हैं कोकोनट का। और लीची का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो फ्लेसी एरिल खाते हैं आप, लीची का फ्लेसी एरिल खाते हो। और एक बच गया कैस्यू नट, जिसको काजू कहते हैं, तो हम बीजपत्र खाते हैं, यानी कि कोटिलेडॉन्स खाते हैं उसका हम। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके पास, तो 106 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3142। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फिर से आपके पास मैचिंग क्वेश्चन है। तो अम्ल है और भोजन है, कि किस भोजन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्टियरिक अम्ल, ये वसा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, ये अंगूर में पाया जाता है। ड्यूटेरिक अम्ल, ये आपका बासी मक्खन में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल, ये सेब में पाया जाता है। तो 107 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया आपका, 3214। निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध प्रारूप है? तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहा का जो सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों, वो होता है राउट आयरन, इसको ताड्य लोह के नाम से भी हम जानते हैं।
इसमें 0.12 से लेकर के 0.25% कार्बन होता है और ये सबसे शुद्ध रूप होता है। ढलवा लोहा में कार्बन 2% से अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। अब फिर से आपके सामने मैचिंग क्वेश्चन आ गया, आपको राज्य और तितलियों के बीच मैचिंग करना है कि कौन सी तितलियां किस राज्य में पाई जाती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कैसर हिंद है, ये राज्य की तितलियां हैं, इनकी राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। केरल के बुध मयूरी है। सिक्किम का अगर हम बात करें तो ब्लू ड्यूक है और महाराष्ट्र की बात करें तो ब्लू मॉर्मन है। तो ये तितलियां हैं, आपको याद रखना है। 109 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरीके से जल विद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 110 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 110 का राइट आंसर सी है आपका। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो विटामिन ए के कमी को पूरा करने के लिए इसे तैयार किया गया है। बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए जिसको हम कहते हैं, उसकी कमी को पूरा किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है, तो कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो 112 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस्पिरिन जो है ये आपका एंटीबायोटिक नहीं होता है दोस्तों। ये एंटीपायरेटिक होता है। एस्पिरिन क्या है, एंटीपायरेटिक होता है और एंटीपायरेटिक का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार को कम करने में किया जाता है। एंटीपायरेटिक और कौन कौन सी दवाएं हैं, तो क्रूशीन, एस्पिरिन, फिनेसिटिन, पायरोमिडीन, ये सब आपके एंटीपायरेटिक्स दवाएं हैं। और एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्प्रिंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफाइमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीन, ये आपके एंटीबायोटिक्स हैं। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका राइट आंसर डी है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, ये तो सरासर गलत है। ऊर्ध्वपातन के कारण तालाब का पानी सूख जाता है, ये भी सरासर गलत है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, जबकि इन दोनों में लिक्विड से गैस में जलवाष्प में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। खूबसूर लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, ये कहां पर है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, क्यों, यानी कि ये मंगोलिया में है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अब किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये विश्व बैंक के द्वारा आयोजित किया गया था 27 जून 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड एवं सल्फेट के अणु, देख लीजिए कहाँ पर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड और सल्फेट के अणु की वजह से ये जल में कठोरता आ जाती है। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबालकर आसन करने से भी दूर हो जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि कहलाती है, आप इन सबों को भी याद रखेंगे। कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। 117 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 और 4 सही है, पहला और दूसरा गलत है। तो द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन कार्बन को एल्काइन कहा जाता है,
नहीं, उसको हम एल्कीन कहते हैं। रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन से पौधे के वृहद पोषक तत्व हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में तो आपने सुना होगा। यहां पूछ रहा है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सूक्ष्म में आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व ये मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक आता है, और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम आता है। 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, सबको आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिविंसी मिशन लॉन्च किया गया है, तो डाविंसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों नासा के द्वारा। 119 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये है क्या दोस्तों, एक तरीके का डीप एटमोस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्लोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन को 2019 से पहले लॉन्च करने की योजना है। ये प्रोब मिशन है और ये मोबाइल रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा, और ये शुक्र के वातावरण और जलवायु के विभिन्न पहलुओं की माप करेगा। याद रखेंगे ये शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। कौन सा दाविंसी जो नासा का है, किस ग्रह से संबंधित है, तो शुक्र ग्रह से संबंधित है। हाल ही में दमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, वो किस देश के हैं, तो ये रूस के हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, दमित्री मुराटोव। इनको 2021 के सह विजेता के रूप में चुना गया था नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए। अगला सवाल है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, जनवरी के अंतिम रविवार को। आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। और लाल फास्फोरस का इस्तेमाल जो है दिया सलाई में किया जाता है। फास्फोरस हाइड्रोक्साइड को फॉस्फिन कहा जाता है, यह पेड़ पौधे और अन्य कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से दलदली स्थानों में पैदा होती है, और कैल्शियम फॉस्फाइड होम सिग्नल बनाने के काम आता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, तो 357 डिग्री सी होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा जून 2022 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है, कौन सा, एक बार याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को। राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, यानी कि तीन को ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन के तौर पे चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो एक्टिन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। एक्टिन वास्तव में ग्लोबुलर मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है, एक तरीके का, जो माइक्रो
फिलामेंट का निर्माण करता है। ये एक तरीके का प्रोटीन है दोस्तों। बाकी ये तीनों आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनगैस कहते हैं। CO+H2, ये सीन गैस होता है। ऑयल गैस किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन, मीथेन, C2H4 और CO2 जैसे गैसों का मिश्रण होता है, उसको ऑयल गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। गोबर गैस क्या होता है? तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। और प्राकृतिक गैस मीथेन, सबसे ज्यादा ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं प्राकृतिक गैस। तो सबको आप याद रखेंगे। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का मान समान होता है? तो ये सबको पता होगा कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मतलब -40 डिग्री होता है। 129, तो बेल्टॉप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 129 का आंसर ऑप्शन सी है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है पहला? तो यह नाटो सहयोगियों देशों का समुद्री वार्षिक समुद्री अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 5 जून 2022 को की गई थी। और भारत चूंकि नाटो समूह का मेंबर नहीं है, इसलिए भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है, ये किस देश का है? तो यह दक्षिण कोरिया का है। नाम याद रखेंगे, नाम से तो लग रहा था कि ये किसी अरब कंट्री का है, लेकिन नहीं, ये साउथ कोरिया का है नूरी। क्वेश्चन नंबर 131 आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो आपका पहला क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये नई दिल्ली में है दोस्तों। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ये पुणे में पड़ता है। नेशनल वायरोलॉजी, ये सेलुलर साइंस सेंटर, तो ये पुणे में पड़ता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, ये हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आपका केवल बी था, ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, एक बार याद रखेंगे, ये नई दिल्ली में है। और सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान, ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसमें वार्षिक वर्षों की संख्या के आधार पर किया जाता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? तो आई थिंक सबको पता होगा, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे, 1535 डिग्री ये होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा जीवाणु एक कैरेबियाई द्वीप ग्वाडेलूप के मैंग्रोव के बीच से इसकी खोज की गई है, और लगभग 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है ये। इसका नाम है थियोगो मार्गरीटा मैग्निफिका। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी है? तो 135 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर है। और इसका जो है उद्घाटन जो 29 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में किया था। अब 136, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इन सब का देखेंगे तो डेंसिटी पानी से ज्यादा ही है, तो डेंसिटी इसकी कम है, इन सबों के मुकाबले तो लाइट की स्पीड पानी में ज्यादा होगी। एक बार फिर से आपके सामने मैचिंग क्वेश्चन है, तो आपको बताना है मिश्र धातु और उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं,
संघटक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। देखिए पीतल में क्या होता है दोस्तों, तो पीतल में होता है कॉपर और जिंक। गन मेटल में क्या होता है, तो कॉपर टीन जिंक और लेड। और रोल्ड वोल्ड में क्या होता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। और सोल्डर में क्या होता है, तो लेड और टीन होता है। 137 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। धमनियों और शिराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। आप क्यों गलत है तो देख लेते हैं। तो धमनियां त्वचा की सतह से सटी हुई उसके नीचे स्थित होते हैं, जबकि सिराएं शरीर में गहराई में स्थित होती है। ये उल्टा है, धमनियां शरीर के गहराई में होती है और सिराएं त्वचा के सतह से सटी हुई उनके नीचे होती हैं। ये होता है। निम्न में से कौन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा ग्लोबल एडीजी पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना है, तो 139 का राइट आंसर सी है आपका, रामकृष्ण मुक्काबली। इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। देखिए दोस्तों, जो स्टेटमेंट गलत होगा उसकी हम व्याख्या कर दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट सही है उनको आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है, तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कौन होता है। 141 का सी है, एब्सिसिक एसिड होता है। और एथिलीन भी होता है, ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स होते हैं। चलिए 142, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन। एक तरह का कैरोटीनॉइड है और ये विटामिन ए का प्रणेता है, इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है थोड़ा पीला हो जाता है। तो 142 का सी हो जाएगा, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अब आपको मैचिंग करना है 1 और 2 को, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। मैं इसको मिला देता हूं, एक्सरे विलहेम रोंटजेन ने किया था इसकी खोज। गामा रे की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकवेरल और पॉल विलार्ड ने। अवरक्त किरण की खोज किसने करी थी, तो विलियम हर्सल ने की थी। और रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है, तो याद रखेंगे आप नाम जुलजाना। इसका राइट आंसर डी है, यानी कि ईरान ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबके सब सही है आपके। तो 6 क्षेत्र हैं, लखनऊ, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। इन 6 का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं हम, तो निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है, तो जियोलाइट का कौन सा उदाहरण है। 146 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कि हाइड्रेटेड सोलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये जियोलाइट का उदाहरण होता है। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, 146 का राइट आंसर सी है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। कि पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है, नहीं, पैलेडियम एक चमकदार चांदी की धातु है जिसका उपयोग कई प्रकार के विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है, ठीक है, और ये कमरे के तापमान पर तरल नहीं होता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास क्या होता है, तो आई थिंक सबको पता होगा, राइट आंसर सी है इसका, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 149 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका, पहला गलत है। तो ये भी तो मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये नीति आयोग का है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कि बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संदर्भ में घटनाक्रमों पर विचार करिए और उन्हें काल के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर बी है, 150 का राइट आंसर बी है। तो पहला तीसरा होगा, म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया था, तो 1997 में हुआ था ये, ठीक है। अगर हम उसके बाद की बात करें तो पहले तीसरा स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद पहला स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद आपका तीसरा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आएगा और सबसे लास्ट में फोर्थ स्टेटमेंट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका UPPCS का दृष्टि IAS का टेस्ट नंबर 2। प्लीज आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें बताने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपको और वीडियो की जरूरत है, राइट दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।